जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। कल का ब्लॉग जिसे मैंने डाला था जो, तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने शिकायत किया था कि सर आप जो है आपने बहुत रफली ब्लॉग बना दिया, आपने जो है ऐसा ब्लॉग बनाया जिसमें केवल आप अपनी पब्लिसिटी कर रहे हो, रूम तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो दोस्तों आज आप लोगों को वो मैं दिखाने वाला हूँ कि ये प्रॉपर रूम दिखाऊंगा। और कल वाले ब्लॉग के लिए सॉरी, वो क्या है, एक हमारे दोस्त लोग आए हुए थे तो उनको दिखा रहा था, तो उसमें जो है थोड़ा सा मैं पूरा प्रॉपर रूम नहीं दिखा पाया। तो आज का जो ब्लॉग है वो प्रॉपर रूम का रहेगा और उन्हीं रूम का रहेगा जो मैंने कल दिखाया था। तो कल वाले ब्लॉग के लिए सॉरी। और चलिए देखते हैं आज का कैसा ब्लॉग है, चलिए देखते हैं आज का कैसा रहेगा ये रूम जो है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो रोज़ आपको देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों समय को ना बर्बाद करते हुए पहले आइए देख लेते हैं कैसे फ्लैट्स हैं, इसके बाद में फिर हम और बातें करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग अभी ये है, पहले हम लोग 1 आर के देख लेते हैं। तो ये है अपना 1 आर के फ्लैट्स और इसका एरिया जो है 495 का एरिया है। आप लोग देखिए काफ़ी बड़ा फ्लैट्स है ये और इसमें मात्र 2 ही फ्लैट्स ये वाले बचे हैं इस एरिया के 495 वाले। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ा फ्लैट है ये, इसका हॉल बहुत बड़ा है। आप हम आ गए किचन में, देखिए किचन भी बहुत बड़ा है इसका, देख लीजिए आप लोग। और मॉड्यूलर किचन दिया हुआ है, कितनी अच्छी टाइल्स वगैरह लगा के दी हैं। किचन में भी एक काफ़ी बड़ा विंडो है, यहाँ से हम बाहर भी जा सकते हैं, अपना वॉशिंग मशीन वगैरह बाहर रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी बालकनी है, देखिए आप लोग बाहर का नज़ारा भी देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। और दोस्तों रोड से लगा हुआ बिल्डिंग है, रोड पर ही बिल्डिंग अच्छा से है कह लीजिए। और काफ़ी चलती हुई रोड है, यहाँ पे BMC वगैरह की बसें भी चलती हैं। ये देखिए लुक कितना अच्छा लगता है। ये टॉयलेट बाथरूम है इसका रूम का, ये देखिए। और ये ग्रेनाइट का काम किया हुआ है इसमें, दरवाजे वगैरह कितना अच्छा लगा के दिया गया है। और काफ़ी अच्छी टाइल्स वगैरह भी लगाई गई हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। और दरवाजे वगैरह की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, पन्नी वगैरह देखिए अभी तक लगी है। और कितना प्यारा लुक, हॉल सीलिंग भी की गई है, ऊपर सीलिंग बनाई गई है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत बड़ा हॉल है ये, काफ़ी अच्छा स्पेस है इस घर में देखिए आप लोग। और बहुत अच्छी लोकेशंस पे, प्राइम लोकेशंस पे है। अगर वसई ईस्ट से आप अगर मधुबन वाला रास्ते से आएंगे तो पैदल मात्र 10 से 15 मिनट में आप घर अपने पहुंच सकते हैं। नए गांव स्टेशन से आप आते हैं तो 3 किलोमीटर के आसपास रहेगा ये। शेयरिंग ऑटो वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये घर फ्लैट्स। तो दोस्तों जल्दी से आप मुझे कॉल कीजिए क्योंकि इसकी 2 ही यूनिट बाकी बची हुई हैं, बाकी की सोल्ड आउट हो चुकी हैं और काफ़ी फैमिली इसमें रहने आ चुकी है। अब हम चलते हैं बाहर का दिखाते हैं थोड़ा सा लोकेशन। ये देखिए इस फ्लोर पे कितना बड़ा स्पेस भी, बाहर बहुत स्पेस है, इसमें लिफ्ट भी है, लिफ्ट दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत। लिफ्ट अभी चालू नहीं है चूँकि अभी काम चल रहा है इसका। और ये देखिए बिल्डिंग के अंदर जो है रूम के बाहर बहुत सारा स्पेस दिया है आपको, ज़रा से भी लगेगा नहीं सफोकेशन जैसा। या और काफ़ी फैमिली आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं सबने अपना गृह प्रवेश वगैरह कर लिया है, अपने अपने घरों में लोग रहने लगे हैं। ये देखिए कुछ का काम अभी बाकी है जो लोगों ने बुक किया है उनके घरों में। अब हम ये देखते हैं अपना सबसे सस्ता 1 BHK। जी हाँ दोस्तों, सबसे सस्ता 1 BHK है ये। देखिए ये है अपना हॉल और ये बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत। अभी ये देखिए सबसे कम पैसे में ये है अपना 1 BHK। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। अभी हम चलते हैं, ये आ गए हम किचन में, इसमें भी मॉड्यूलर किचन दिया गया है, टॉयलेट बाथरूम है। काम जो है इनका काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा काम किया है इन बिल्डर्स ने। इनके फ्लैट्स जो है बहुत तेज़ी से सोल्ड आउट हुए हैं, इतनी तेज़ी से शायद ही किसी के फ्लैट सोल्ड आउट होते हैं। और रेट भी इन्होंने बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया दोस्तों। जब भी आप किसी ने बुक ने जो है स्टार्टिंग में बुक किया होगा, जब ये बिल्डिंग बन रही होगी, और अभी के प्राइस में प्रति फ्लैट में कम से कम 5 लाख रुपये का बढ़ोतरी किया है इन्होंने। सनटेक वगैरह का रेट देखिए 10 साल पहले जो था आज भी वही रेट है, बट इनका रेट जो है कितनी तेज़ी से बढ़ा है ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट रहेगा, ये देखिए बहुत खूबसूरत फ्लैट्स हैं इसके भी। तो बहुत जल्द मैं इनके प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को तक पहुंचाऊंगा, आप जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए। और देखिए सामने सनटेक सिटी सामने दिख रही है, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा ये
रूम जो है इसमें अब तक का सबसे सस्ते फ्लैट जो है वो नयागांव में सबसे सस्ते फ्लैट का ये सीरीज था, और अभी इसमें मात्र 2 या 3 यूनिट ही बची है। तो अगर आप लोगों को ये फ्लैट पसंद आए हो तो आप लोग जल्दी से मुझे कॉल कीजिए, नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप लोग जल्दी से कॉल कीजिए, बुक कीजिए अपना घर, सपनों का घर, क्योंकि इतने सस्ते घर जो हैं, इतने सस्ते फ्लैट्स ये बहुत ही कम आते हैं, बहुत कम मिल पाते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है, और मेरे बहुत सारे दोस्तों के आज फ़ोन भी आए हैं, कल आपने ब्लॉग देखा था तो उसके लिए देख करके आपने फ़ोन भी किया है, और आप लोग आने वाले हो तो उसके लिए थैंक यू, आप आइए, आपको हम दिखाएंगे। और बहुत अच्छे फ्लैट्स हैं, काफ़ी कम बजट में 1 BHK जो फ्लैट्स है वो आपको मात्र और मात्र 18 लाख रुपए के पैकेज में मिलेगा, 1 RK जो है वो आपको मात्र 16 लाख समथिंग पैकेज है इसका भी पूरा रहेगा। और अगर आप 1 RK, हमारे पास 2 हैं तो एक और 1 RK है जो जिसका एरिया जो है 395 का है, वो अगर आप लेते हो तो वो आपको मिलेगा मात्र मात्र 17,55,000 के पैकेज में। जो जी हाँ दोस्तों, ये पूरा जो पैकेज मैं बता रहा हूँ ये इंक्लूड पूरा चार्जेस होते हैं इसमें, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं सारा कुछ होता है। और ये बिल्डिंग जो है वो मात्र रोड से ही लगी हुई बिल्डिंग है, काफ़ी अच्छे फ्लैट्स हैं, और काफ़ी फैमिली यहाँ पर रहने भी आ चुकी है, लगभग 25 से 30 फैमिली यहाँ पर रहने आ चुकी है अब तक। तो दोस्तों बहुत अच्छे फ्लैट्स हैं, आप लोग जल्दी जल्दी बुक कीजिए। और हाँ, आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कहाँ की प्रॉपर्टी आपको देखनी है ये भी मुझे आप लोग बताएंगे, तो हम लोग जो है वो सर्च करेंगे और आप तक वो पहुँचाएँगे। और काफ़ी दोस्तों का जैसे कमेंट आते रहते हैं कि सर आप सस्ती प्रॉपर्टी दिखाइए, सस्ते फ्लैट दिखाइए, 1 BHK 1 RK जो है उनको 8-10 लाख 15 लाख रुपये के बीच में चाहिए होते हैं। अब हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हम लोग जो है सस्ते से सस्ते फ्लैट आप लोगों तक दिखाएँ, आप लोगों को समझाएँ। तो बस दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए हमारे चैनल पे, और आज का ब्लॉग ये ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नए प्रॉपर्टी के साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।